हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जेपीएससी मेंस जो छठी होने वाली है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे और उसके आंसर भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक्स और नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूले। कल ही जो कि जेपीएससी का रिजल्ट आया, रीका संशोधित रिजल्ट, तो नए लड़के होंगे उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये हो गए। तो लोक प्रशासन को परिभाषित अब करना है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका है जो कि लोक प्रशासन क्या है कि कोई भी जो कि सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। इस संदर्भ में कतिपय विद्वानों द्वारा है जो कि ये विचार है जो कि जानना आवश्यक है। तो जो है वुड्रो विल्सन का जो विचार है उसके बारे में जानते हैं। क्या है ये लोक प्रशासन जो है ये कानून के विस्तृत नियमति के रूप में कार्य करता है। क्या है वुड्रो विल्सन के अनुसार क्या है लोक प्रशासन, क्या है कानून के विस्तृत नियमन के रूप में कार्य करता है। अब दूसरा देखते हैं एल्डिहाइड क्या कहते हैं लोक प्रशासन को, क्या है नीति के क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्या है लोक प्रशासन को क्या है नीति के क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित करते हैं। अब है जो कि साइमन क्या कहते हैं, साइमन ने क्या कहा है, तो साइमन ने कहा है कि लोक प्रशासन को राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में जो कि देखते हैं। तो क्या है साइमन द्वारा क्या कहा गया कि ये है जो कि लोक प्रशासन को राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में है जो कि वो देखते हैं। अब आ जाइए ड्वाइट वाल्डो ने क्या कहा लोक प्रशासन के बारे में। तो ड्वाइट वाल्डो ने कहा लोक प्रशासन राज्यों में लागू होने वाले प्रबंध की क्या है कला विज्ञान के रूप में है। तो इस प्रकार देख रहे हैं। अब जो मेन है जो कि फेलिक्स ए निग्रो, क्या है फेलिक्स ए निग्रो ने क्या कहा किया है कि पांच आयामों को जो कि समावेश किया है। उन पांच आयामों को समझ लेते हैं। तो क्या है लोक प्रशासन, क्या है लोक पर्यावरण में सहकारी समूह का क्या है प्रयास है। लोक पर्यावरण में क्या है सहकारी समूह का ये प्रयास है। दूसरा पॉइंट क्या है ये जो तीनों शाखाओं जो सरकार की होती है कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका, इसका जो कि ये अंतर संबंधों से इसका संबंध है। तीसरा है ये निजी प्रशासन से ये भिन्न है लोक प्रशासन। और चौथा क्या हो जाएगा यह लोक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का है जो कि एक हिस्सा, लोक प्रशासन क्या है एक राजनीतिक प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। और पांचवा क्या हो गया यह विविध निजी समूहों तथा व्यक्तियों से जुड़ा है जो समुदाय को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये हो गया आपको लोक प्रशासन को परिभाषा। अब आते हैं लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र, क्या है लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र की विवेचना हेतु कई दृष्टिकोण है जो कि जारी किए गए हैं। तो कौन कौन दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, विषय वस्तु दृष्टिकोण और लोक कल्याण दृष्टिकोण। तो ये पांच प्रकार के दृष्टिकोण जनरली आपको लोक प्रशासन के जो कि विषय क्षेत्र है। तो पोस्ट कॉर हो गया, व्यापक हो गया। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं व्यापक दृष्टिकोण की। तो व्यापक दृष्टिकोण क्या हो गया लोक प्रशासन के क्षेत्र को क्या करता है ये व्यापकता प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र है जो कि वो जो तीनों जो अंग हैं कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका उससे संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत वे समस्त गतिविधियां आती है जो कानून एवं लोक नीति के निर्माण संरक्षण तथा क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया। इसके जो समर्थक कौन कौन है वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, मार्श और निग्रो है। तो ये हो गए व्यापक दृष्टिकोण में। और अब आते हैं संकुचित दृष्टिकोण की ओर।
तो संकुचित दृष्टिकोण है क्या, तो उसके बारे में जानते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से माना जाता है। इस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा के अनुसार लोक प्रशासन कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली तथा कार्य पद्धति एवं क्रियान्वित पक्ष का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें प्रमुख समर्थक कौन कौन है, देख रहे हैं हार्वर्ड साइमन, पी एन ग्लेडन और लूथर गुलिक हैं। हार्वर्ड साइमन हो गया, पी एन ग्लेडन और लूथर गुलिक हो गए। अब आ जाइए पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण। तो पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण पहले तो किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो लिखता हूं लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित है। ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आपको 20 नंबर के रहेंगे। तो पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण को विचार किसने दिया था, तो लूथर गुलिक ने दिया था। अब पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण के बारे में, यह अंग्रेजी के 7 अक्षरों से बना है। ऐसे आप गिनिएगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 7 CO है, जो कि एक हो जाता कोऑपरेशन। तो पी से क्या हो गया, प्लानिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नियोजन। ओ से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन इसको कहते हैं। और डी से क्या हो गया, डी से हो गया डायरेक्शन, डी से क्या हो गया डायरेक्शन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देशन कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देशन। और सीओ का कोऑपरेशन मतलब तो सहयोग हो गया। आर से क्या हो गया, प्रतिवेदन देने को कहा। और बी को क्या हो गया, बजट बनाना। ये है जो कि 7 है जो कि ये हो गए। तो क्या क्या हो गए, पी से प्लानिंग हो गए, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सी से, एस से क्या हो गया स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्शन हो गया, गो से कोऑपरेशन हो गया, आर से क्या हो गया प्रतिवेदन देना, बी से बजट बनाना हो गया। ये पोस्ट कॉर्ड हो गया दृष्टिकोण है जो कि हो गया। जहां नियोजन संगठन को पूर्व दृष्टि प्रदान करता है, यह वही संगठन है जो कि संरचना के डिजाइन में जो कि संबंधित है इससे। अब इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण है क्या। पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण में स्टाफिंग है जो कि क्या है, मानवीय संसाधन है, वही समन्वय सहयोग है, प्रयासों में समतुलता आत्मनिर्भरता और क्रमिकता पर सरोकार करता है। बजट क्या है, वित्तीय स्थिरता नियमितता ये सब का है जो कि करता है। गुलिक के अनुसार यह 7 गतिविधियां ही लोक प्रशासन के क्षेत्र का निर्धारण करती हैं, लेकिन लेविस और मेरियम, लेविस मेरियम जो है वो इसके विरोधी हैं। तो वो क्या कहते हैं, इस दृष्टिकोण को क्या मानते हैं, ये जो पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण को है लेविस मेरियम है जो कि एकांगी मानते हैं, एक ही टाइप का लगता है। लेविस मेरियम ने विषय वस्तु दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है, तो ये पूछ सकता है कि लेविस मेरियम है, ये जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है लेविस मेरियम द्वारा ये विरोध करते हैं, ये अपना दृष्टिकोण जारी करते हैं। इस दृष्टिकोण का मानना है कि पोस्ट कॉर्ड है जो कि तकनीकी पक्ष है, और इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि इसको है जो कि किस जो कि विषय क्षेत्र में लागू किया जाए। लोक प्रशासन का सरोकार सीधे तौर पर ऐसे विषयों से जिस क्षेत्र में उसे सेवा करती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिरक्षा आदि। यह दृष्टिकोण सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर देता है, तथा यह मानता है कि किसी एजेंसी की सार्वभौमिक समस्याएं उसे विषय वस्तु पर निर्भर करती है। किंतु जो कि पोस्ट कॉर्ब जो क्या है, पोस्ट कॉर्ब और विषय वस्तु दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोध नहीं करते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो एक जो बच गया था वो संकुचित दृष्टिकोण, तो बता ही दिया था कि संकुचित दृष्टिकोण, मैं संकुचित दृष्टिकोण बताता हूँ। तो संकुचित दृष्टिकोण क्या हो गया, लोक प्रशासन संबंध सरकार कार्यपालिका शाखा से मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली तथा कार्य पद्धति क्रिया पक्ष का अध्ययन किया जाना दिया जाता है। तो इसके जो प्रतिपादक हर्बर्ट सेवन, पीएनरेन और लूथर गुलिक हैं। और लास्ट क्या हो गया, लोक कल्याण दृष्टिकोण। लोक कल्याण दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। तो लोक कल्याण दृष्टिकोण में हो जाएगा आपको
लोक प्रशासन के सरकार से जनहित समर्थन से इस दृष्टिकोण में लोक प्रशासन विषय क्षेत्र का विस्तार उन समस्त क्षेत्रों तक है जहां लोक प्रशासन जनहित के संदर्भ में जो कि सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब है जो कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है, लोक प्रशासन क्षेत्र का है जो कि क्या है महत्व। और तो लोक प्रशासन ये आधुनिक समाज में लोक प्रशासन समाज एक क्या है अनिवार्य कानून हो गया है। आज लोक प्रशासन का प्रभाव जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक है। राज्य के विस्तार तथा उसकी जटिल होती भूमिका ने लोक प्रशासन को क्या बना दिया, व्यापक बना दिया। और इसके जो कि प्रभाव क्षेत्र में जो कि इसके क्या है लोक प्रशासन के काफी वृद्धि हुई है। तो अब जो कि इसके मीडियम के देख लेते हैं, मीडियम ने क्या कहा है कि यह ऐसी तकनीक है जो आदमी को उसके परिवेश के अनुकूल बनाता है। तो जैसा आपका लोक प्रशासन रहेगा उस अनुसार का परिवेश जो कि अनुकूल बनाता है। डी एक और है बियर्ड, क्या नाम है बियर्ड, उन्होंने क्या महत्व के बारे में बताया है कि सभ्य सरकार और सभ्यता का भविष्य प्रशासन के विज्ञान दर्शन और व्यवहार विकसित करने की क्षमता पर निर्भर करता। उन्हें डिमॉक ने क्या बताया है प्रशासन का ये महत्व क्या है, दर्शन जीवन दर्शन बनाना इसका जो कि महत्व है इसका। तो ये सब जो विचारों से है जो कि लोक प्रशासन का महत्व स्पष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फिर लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की रचनात्मक विकासात्मक सुविधा प्रदत्त संरक्षक नियामक और निरोधक भूमिका ने व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए दिशा महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज लोक प्रशासन के बिना सभ्य जीवन तथा चतुर्दिक विकास की कल्पना जो कि नहीं किया जा सकता है। तो ये सब विशेषताओं के बावजूद भी जो कि विषय क्षेत्र है जो कि अभी भी पूरी स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत व्यापक क्षेत्र है लोक प्रशासन। तो चूंकि लोक प्रशासन का विषय सदा ही क्या है बढ़ते रहा है और राज्य सभ्यता तथा समाज में परिवर्तन के साथ जो कि विस्तारित होता है। लोक प्रशासन पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह अपने वास्तविक क्षेत्र को छोड़कर अनावश्यक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। लोक प्रशासन के उद्देश्य स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो यह हो गया, खासकर विकासशील देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका है क्या है विवादों के घेरे में है। तो ये आपको हो गए लोक प्रशासन विषय के क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण भी हो गया। और तो लोक प्रशासन को परिभाषित भी हो गया ऊपर में कि कौन कौन किसने क्या कहा। तो जनरली जो ऐसे अगर ये तो हो गए कि क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो इस तरह के लिखने पड़ेंगे जो हमने बताया। तो मेनली जो है आपको लोक प्रशासन है क्या कि सरकार का जो प्रशासन है लोगों के लिए उसमें किस तरह करना है उसके बारे में है। और किन विद्वानों ने है जो कि क्या कहा, तो किसने क्या कहा ये भी आपको नोट करके अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं कि किन्होंने क्या कहा, मान लीजिए पोस्ट कार्ड जो कि लूथर बुलिक द्वारा प्रतिपादित है, विषय वस्तु जो कि लेविस मीडियम द्वारा है, दृष्टिकोण जो कि लेविस मीडियम द्वारा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। इसीलिए जो मेन चीज है इसको इसीलिए जो खासकर विद्वानों के नाम के साथ जोड़ा है। और तो ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा ये जेपीएससी मेंस के लिए ये आज पहला वीडियो बनाया हूँ लोक प्रशासन के लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर और भी काफ़ी सुधार होगा तो इसमें सुधार करूँगा। और आप लोग भी जो कि किताब खरीद लें, कुछ लोग कहते हैं कि कौन सी स्पर्धा की तो आई है और भी है दूसरे की, तो आप जो कि जल्द से जल्द जो कि किताब जो कि खरीद लें और उससे काफ़ी जो कि आपको फायदा होगा। और अभी से लग जाए दो तीन महीने भी हो सकता समय ना मिले तो आप आज कल ना करें और शुरू कर दें मैं इसकी तैयारी, क्योंकि इससे अच्छी चांस जो खस करने लड़के हैं उसको उनको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप भी रेस में अगर पढ़ते हैं तो आ सकते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताइएगा, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा और अच्छा लगेगा तो बनाऊंगा। तो धन्यवाद।